क्लास 12 मैथ्स में आरएस प्रसाद। आज आप लोगों को अव्यूह मैट्रिसेस का पार्ट 14 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले है ये परिवर्ती अव्यूह। परिवर्ती अव्यूह मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि किसी अव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अव्यूह को दिए हुए अव्यूह का ए का परिवर्तन यानी ट्रांसपोज अव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश अथवा ए टी से निरूपित करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करते हैं, बता रहा हूँ। ये ए से दिखाया हुआ है मैं। अब पहले यहाँ 1, 2, 3 है, फिर 2, 3, 4 है। तो पहले क्या करा, ये रो है हमारा, रो को कॉलम में लिख दिया गया। देखो पहले कितना है, ये 1, 2, 3, तो इसको ऐसे कर दिया गया है, 1, 2, 3। रो मतलब ऐसे और फिर कॉलम ऐसे हो जाएगा ऐसे। इसके बाद देखिए ये है दूसरा रो, 2, 3, 4, ये दूसरे कॉलम में चला गया, 2, 3, 4। मतलब ये 2 × 3 की अगर मैट्रिक्स है तो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यही ए डैश या इसी को हम ए ट्रांसपोज भी कहते हैं। ए लिख करके इसके ऊपर टी लिख देते हैं बच्चों, ये टी लिख देते हैं। ये ट्रांसपोज पढ़ दिया या एडस भी पढ़ दिए, तब भी ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि परिवर्ती अव्यूह बनेगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये आ रहा है सममित अव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होती है, एक वर्ग अव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए डैश यानी ए ट्रांसपोज जो है वो ए के ही बराबर हो जाए। यानी एक सममित अव्यूह में मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अव्यव बराबर होते हैं, अर्थात ए बराबर है ए आई जे एम इंटू एम सममित है तो आई आई जे इजकल टू ए जी आई होगा। चलिए देखते हैं इसमें, ये ए दिया हुआ है 1, 2, 3, फिर 2, 5, 7 और 3, 7, 4 सममित अव्यूह है क्योंकि ए ट्रांसपोज यानी ये ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ये लिखा हुआ 1, 2, 3 तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 कर दिया गया, कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया। दूसरे में देखो रो 2, 5, 7 तो यहाँ पर 2, 5, 7 कर दिया गया ये। इसके बाद यहाँ देखो 3, 7, 4 है, तब ये 3, 7, 4 कर दिया। लेकिन दोनों मैट्रिक्स देखो ध्यान से, इस वाली मैट्रिक्स को देखो और इस वाली मैट्रिक्स को देखो तो दोनों इक्वल है। ये 1, 2, 3 यहाँ पर भी है, 1, 2, 3 यहाँ पर भी है, 2, 5, 7 है, 2, 5, 7 है और 3, 7, 4 है, तो 3, 7, 4 है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा बच्चों क्या होता है इसमें। ये भी बहुत जरूरी है जानना क्या है इसके अंदर। अब लेते हैं विषम सममित मैट्रिक्स यानी इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, एक वर्ग अव्यूह ए सममित यानी विषम सममित अव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए ट्रांसपोज जो हम निकाल रहे हैं वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जरा बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सम सम अव्यूह यानी कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंपोटेंट बोलते हैं। एक वर्ग अव्यूह ए सम सम अव्यूह कहलाता है यदि ए का स्क्वायर जो है वो ए के ही इक्वल हो जाए। जैसे ए दिया हुआ है यहाँ पे 2 − 2 = 4 माइनस का है −1 = 3 = 4 −1 − 2 − 3 सम सम अव्यूह होते कैसे हैं, ए स्क्वायर निकाला गया। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए किया गया। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए किया गया। ये दोनों ए ए लिख दिए और इनकी गुणा करके देखा गया तो ए ही मिला है हमारे पास गुणा करने का। गुणा करने का रूल जो मैंने बता रखा आर सी आर होता है, रो की गुणा कॉलम में करते हैं फिर रो में लिखते हैं। ये गुणा करने के बाद भी फिर से ए ही आ गया, इसलिए ये क्या हुआ, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स या सम सम अव्यूह बोलते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रतिकेंद्रज अव्यूह यानी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। एक वर्ग अव्यूह ए प्रतिकेंद्रज कहलाता है यदि ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए। यानी कि ए जैसे ये रखता है
प्रति केंद्रज आवयव है, क्योंकि ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर कैसे निकाल लेते हैं बच्चों, ए की मल्टीप्लाई ए से करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए ए के दोनों वेरिएंट की मल्टीप्लाई की है, तो 1 0 और 0 1 आया जो कि आई के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों, ये एक और है शून्य सम आवयव, यानी कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या है, एक वर्ग आवयव m घात का सम शून्य कहलाता है यदि ए एम इज इक्वल टू ओ यानी जीरो एक कर जाए। तो यहाँ देखो ए देखते हैं, यहाँ पे 0 1 1 0 घात दो का सम शून्य सम आवयव कैसे है, ए स्क्वायर निकाला जाए। ए स्क्वायर निकालने के लिए मैंने बताया बच्चों ए की गुणा ए से कर दिया, नियम होता है आर सी आर, रो की गुणा कॉलम से करते हैं, रो में लिखते हैं, तो ये दोनों ले लिया, दोनों की जब गुणा की गई तो हर एक जगह जीरो पाया गया, जिसको हम ओ से दिखाते हैं यानी जीरो मैट्रिक्स से। अब देखते हैं लाम्बिक आवयव क्या है, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है ये बताना है। इसमें एक वर्ग आवयव ए लाम्बिक कहलाता है यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ, ये ए देखा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, लाम्बिक आवयव क्यों है, क्योंकि ए डैश निकालेंगे तो ये कॉस साइन है तो कॉस साइन नीचे आ जाएगा, माइनस साइन कॉस है तो माइनस साइन कॉस यहाँ आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर यानी गुणा कर दी, ए ए डैश दोनों लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखा हुआ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई का रूट वही है आर सी आर, तो क्या आएगा एक जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसका वन लिख देंगे और यहाँ पे जीरो हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि वन हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा आई के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल की कंडीशन बच्चों याद रखना है ए ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए और इज इक्वल टू ये आई हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल है बच्चों, ये भी याद रखना है, बहुत पूछा जाता है ये भी। चलते हैं बच्चों, ये हमारे देखा ए एक मैट्रिक्स रखी है, ए इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, माइनस का 3। तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 2 रो में है तो कॉलम में कर दीजिए 1 2, यहाँ 4 3 रो में है तो 4 और -3 ये आ जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इजी है, हो जाना चाहिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रखा यदि ए इज इक्वल टू है 4 -7 -8 3 तथा बी इज इक्वल टू 11 -22 -23 8 हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस 2 a ट्रांसपोज माइनस b इक्वल टू आई। चलिए पहले लिख लेते हैं, a है प्लस का 2 a ट्रांसपोज माइनस b, तो पहले a को लिख लेते हैं, a ये दिया हुआ है कितना है, ये 4 है माइनस का 8 है और माइनस 7 है और 3। चलिए प्लस का 2, अब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 -7 है, क्या कर देंगे इसको 4 तो यहीं रखेंगे, -7 यहाँ आ जाएगा और -8 3 है तो -8 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये तो यहाँ तक हो गया है 280 तक, और माइनस का बी है तो माइनस यहाँ ले लीजिए, बी आपको लिख लीजिए, यहाँ पे कितना है 11 है, माइनस का 22 है और यहाँ पर -23 है और 8 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 4, माइनस का 7 है, माइनस का 8 है और 3 है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8 हो गया, 7 × 14 हो गया और माइनस का 16 हो गया और 2 × 6 हो गया, माइनस ये कितना है 11 है, माइनस का 22 है, माइनस का 23 है और 8 है। देखो ये तो 4 है, यहाँ से प्लस का 8 हो गया और माइनस का 11 हो जाएगा, चलिए यहाँ से माइनस का 8 है और माइनस का 14 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22। चलिए अब यहाँ नंबर आता है माइनस का 7 है यहाँ पे और माइनस का 16 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 22 हो गया। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पे ये 3 है आपका,
माइनस का ये प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या है माइनस का 8 हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। 8 4 12 और माइनस 11 हो गया तो 1 बच गया, और 18 और 14 कितना हो गया, 8 और 14 22 हो गया, 22 और 22 दोनों प्लस के तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए माइनस के 1 माइनस का 16 है, प्लस का 23 है, तो दोनों 23 ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 3 9 9 में से 8 गया तो 3 बच जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, आई बोलते हैं, और यही आपको सिद्ध करना है। चलो इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ए ट्रांसपोज दिया हुआ है माइनस 2 3 1 2 है, और यहाँ पर बी दिया माइनस 1 0 1 2 है, तो ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज याद करना है। चलो पहले देखते हैं, पहले बच्चों ए लिख लेते हैं, ए कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम में ले देंगे, यानी कितना आ जाएगा माइनस 2 3 है, तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ये क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो ए आ गया। बी आपका दिया हुआ ही है, अब हमें ये निकालना है ए प्लस 2 बी। चलिए ए प्लस 2 बी निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं ए कितना है बच्चों, माइनस का 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, और प्लस का 2 बी कितना है यहाँ पे, ये रहा माइनस 1 है, 1 है, और 0 है, 2 है, ये आ गया माइनस का 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, और प्लस का 2 के अंदर गुणा कर दो, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 यहाँ से आ गया, और फिर 1 है, और प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, और प्लस 2 हो जाएगा, और क्या बचा, यहाँ पर 2 है, और प्लस का यहाँ से 4 है। ये हो गया माइनस का 4, और ये 5 हो गया, यहाँ 1 आ गया, और ये 6 आ गया। ये तो था a प्लस 2b। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है ये, तो 5 यहाँ जाएगा, और 1 यहाँ रहेगा, और 6 यहाँ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए ट्रांसपोज पहले दिया हुआ 3 माइनस 1 0 है, 4 2 और 1 है, तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए में क्या हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 0, रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, 4 हो गया है, 2 हो गया, और ये बन गया, ए निकल गया, बी आपका ऊपर है। अब इसमें से हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट पार्ट बोले ए प्लस बी ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी तो पहले ए ले लें, 3 है, माइनस 1 है, 0 है, और 4 है, 2 है, और 1 है, ये ए हो गया। प्लस बी को देखो, ये है माइनस 1 1 है, 2 2 है, और 1 3 है। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ ये 3 है, और माइनस का ये 1 हो गया, फिर ये माइनस 1 है, और प्लस का 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 है, और प्लस का 1 हो गया, ऐसे 4 लिख लो, 4 है, और प्लस का 1 है, 2 है, 2 है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, 1 है यहाँ, तो प्लस का 3 हो जाएगा। इनको लिख लेते हैं कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ गया, और फिर ये 4 हो गया। अब इसका भी ट्रांसपोज निकाल दो, यानी a प्लस बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम है, यानी कि 2 1 1 आ जाएगा, 5 4 4 जाएगा। चलिए ये तो हमने एक निकाल लिया, फिर इसके बाद अब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं, बी यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस 1 है, 2 है, और 1 है, और इधर
वन है, टू है, थ्री हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो ए कितना है, ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, कितना है ये, तीन है, माइनस एक है और जीरो है, और फिर कितना है, फोर है, टू है और वन। बी ट्रांसपोज देखो ये लिखा हुआ, माइनस का वन है, टू है, वन है, यहाँ पे वन है, टू है और थ्री है। चलिए इनको निकालते हैं, ये हो जाएगा थ्री और माइनस का वन हो गया, फिर यहाँ पे फोर प्लस का वन हो जाएगा, माइनस वन और ये प्लस का टू हो जाएगा, और ये कितना है, टू है और ये टू है, तो फोर हो जाएगा, टू प्लस टू हो गया, फिर जीरो प्लस वन हो जाएगा, फिर वन प्लस थ्री हो जाएगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं, और तो यहाँ पे दो बच जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ भी एक है, और यहाँ देखो कितना है, चार और एक पाँच हो गया, और दो दो चार हो गया, ये भी चार आ गया। तो ये और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, क्या निकाला था हमने, ए डैश प्लस बी डैश, ये दोनों आपका इक्वल दिखाई दे, ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये आपने अभी प्रूव किया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ ए ट्रांसपोज दिया हुआ ए निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका रो जो है, रो को कॉलम में लिख देना होगा, यानी यहाँ हो जाएगा थ्री फोर और माइनस वन टू हो जाएगा और जीरो वन आ जाएगा। चलिए अब ए माइनस बी निकालते हैं, ए देख लेते हैं क्या है, ये है ए, थ्री फोर है, माइनस वन टू है और जीरो वन, फिर माइनस बी का निकालना है, ये है थ्री फोर, सॉरी थ्री फोर नहीं, माइनस वन वन आएगा, कितना हो जाएगा ये, और बी तो एग्जिट रहेगा, माइनस का वन है यहाँ पे, टू है और यहाँ पे वन है, थ्री। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे थ्री है, माइन माइन प्लस का वन हो गया और माइनस का वन है और माइनस का टू हो जाएगा, जीरो है, माइनस का वन हो जाएगा, फोर है, फोर के साथ वन आएगा, टू है, इसके साथ भी टू आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट में वन आ गया, वन आ गया, वन के पास कितना है, थ्री है, तो प्लस का थ्री हो जाएगा, सॉरी प्लस का नहीं है, तो माइनस का है। चलिए ये बन गया है, अब इसको देखते हैं और आगे सॉल्व करके, तो तीन और एक चार हो गया, चार और एक पाँच आ गया, और ये माइनस का तीन हो गया, और ये चार हो गया, और ये माइनस का एक और माइनस का दो आ गया। अब इसका क्या निकालना है, ये बच्चों ध्यान से रखना, ए माइनस बी निकला, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए माइनस बी का फोर ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज करके, तो यहाँ फोर हो गया, माइनस का थ्री हो गया और माइनस का वन हो गया, यहाँ से फाइव हो गया, फिर फोर हो गया और माइनस का टू हो गया, ये आ गया आपका। अब जो है हम ए डैश माइनस बी डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश माइनस का बी डैश, तो चलिए ए डैश देखते हैं, ये दिया हुआ है पहले ही, कितना लिखा हुआ है, थ्री है, माइनस का वन है, जीरो है, फोर है और टू है और वन है, माइनस बी का डैश देखिए कहाँ है, बी डैश इसी को निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो माइनस का वन है, टू है और फिर वन हो जाएगा, यहाँ वन है, टू है और चलिए बी डैश भी निकल गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा थ्री और माइनस माइनस प्लस का वन आ गया, यहाँ फोर है और माइनस का वन हो जाएगा, यहाँ पे फोर माइनस का वन, फोर माइनस का,
चलिए यहाँ माइनस वन है और माइनस का टू हो जाएगा, और फिर टू है तो माइनस का टू हो जाएगा, यहाँ जीरो है और माइनस का वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच्चा वन है और माइनस थ्री हो जाएगा, तो वन माइनस थ्री देखो कितना बचता है, तीन और एक चार हो गया, और दो और एक तीन हो गया माइनस का, और यहाँ माइनस का वन आ गया, और इधर कितना बच गया थ्री हो गया, यहाँ बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है। इसमें क्या हुआ है यहाँ पर कि ये फोर माइनस वन यानी फोर और माइनस वन यहाँ से हो गया, फिर टू माइनस टू होना था यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहाँ गया टू माइनस टू, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, और थ्री और जीरो यहाँ पे थ्री हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे निकाल रहे थे बच्चों हम लोग, यहाँ पे देखिए फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, यहाँ पे टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, और वन माइनस थ्री माइनस का टू हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या निकाला गया था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इट मीन्स ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये सेकेंड वाला भी सिद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों जरा क्या है, ये दिया हुआ है यदि ए इक्वल टू जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो हो तो ए प्लस ए डैश अपॉन टू तथा ए माइनस ए डैश अपॉन टू निकालना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, पहले ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश मैं यहाँ निकाल के दे रहा हूँ, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो गया, यहाँ देखो ये वाला नीचे लिखना है जीरो ए बी जीरो ए बी, फिर ये माइनस ए जीरो सी माइनस का ए जीरो सी, फिर है माइनस बी माइनस माइनस का बी है माइनस का सी है, और रो को कॉलम में चेंज कर दिया गया। अब हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए कितना है ये लिखा हुआ है जीरो है, माइनस ए है माइनस का बी है, यहाँ ए है जीरो है माइनस सी है, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है और जीरो है, चलिए ये हो गया प्लस इसी का ट्रांसपोज जीरो हो गया ए हो गया बी हो गया, यहाँ माइनस का ए हो गया जीरो हो गया और सी हो गया, माइनस का बी है माइनस का सी है और जीरो है, चलिए इन दोनों को ऐड कर दिया गया और अपॉन टू भी लेना है, इसको पहले ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, देखो पहले ऐड कर लेते हैं जीरो प्लस जीरो हो गया, और यहाँ ए है ए माइनस ए हो जाएगा, फिर है बी माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे बी माइनस बी आ गया, ऐसे यहाँ माइनस का ए है देखो यहाँ पे और ये प्लस का ए है, और कितना है जीरो है यहाँ पे और यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ सी है और ये माइनस का सी हो गया, यहाँ देखो माइनस बी है और यहाँ प्लस का बी है, माइनस का सी है यहाँ पे और यहाँ प्लस का सी है, यहाँ जीरो है और यहाँ भी जीरो है। चलिए देखिए क्या निकल के आता है, ये जो निकल के आ गया जीरो हो गया, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये जीरो जीरो और इधर भी जीरो जीरो आ रहा है, लेकिन हमें तो निकालना था ये क्या था ए प्लस ए ट्रांसपोज था, अब निकालना है हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई टू, तो यहाँ वन बाई टू आ रहा जाएगा, तो सब में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा जीरो ही रह जाएगा, तो जीरो 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 जीरो। चलिए ये एक तो निकाल दिया है, अब हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, तो पहले निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, निकाल लेते हैं इसको जरा, ए तो यही है आपका कितना है जीरो है माइनस ए है माइनस का बी है, फिर ए है जीरो है माइनस सी है बी है यहाँ पे सी और जीरो, माइनस ए ट्रांसपोज यानी कि ये लिखना है अब आपको, तो यहाँ जीरो हो जाएगा यानी ए ट्रांसपोज ये हो गया जीरो हो गया, फिर ए हो गया बी हो गया माइनस का ए हो गया जीरो हो गया सी हो गया माइनस का बी है
माइनस थ्री है और ये जीरो। चलिए इसको आगे देखते हैं सॉल्व करके। तो माइनस करना है तो यहाँ जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ए है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बी है और बी माइनस का बी तो प्लस का बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए है और माइनस का ए एक और आ गया, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर माइनस का जीरो हो जाएगा, फिर सी है और माइनस माइनस प्लस का सी हो जाएगा, यहाँ पर इधर देखिए माइनस का बी है और यहाँ पर माइनस का बी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का सी है और यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा जीरो और माइनस का जीरो आ जाएगा। चलिए देखिए कितना आ गया, ये आ जाएगा जीरो और इधर हो गया टू ए, यहाँ पर टू बी हो गया और ये माइनस का टू ए हो गया, जीरो आ गया, टू सी आ गया, माइनस का टू बी हो गया, माइनस का टू सी हो गया और ये जीरो हो गया। ये जो निकाला था बच्चों ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब जो निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई टू, यानी यहाँ वन बाई टू और आ जाएगा, सबको टू से डिवाइड कर देंगे, कितना बच जाएगा जीरो माइनस ए हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा जीरो हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो एक तो आंसर ये आपने निकाला और दूसरा आंसर ये है आपका, ये किसकी वजह निकल के आई है ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट डिवाइड बाई टू। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये अगला है, सिर्फ कीजिए कि ए वन माइनस वन फाइव माइनस वन टू वन और फाइव वन थ्री एट समेत आवयोग है। पहले देख लेते हैं ए तो निकाला ही हुआ है, ए है हमारे पास, लिख लेते हैं पहले ही, ये वन है माइनस का वन है फाइव है माइनस का वन है टू है और फिर वन है, फिर है फाइव फिर वन है और थ्री है। अब ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, ए ट्रांसपोज में क्या होगा बच्चा, रो को कॉलम है, ये रो ऐसे लिखा है इसको ऐसे लिखना है, तो वन माइनस वन फाइव है, ये वन माइनस वन फाइव हो गया, फिर ये माइनस का वन है और टू है ये, फिर वन है, फिर फाइव है, फिर वन है और ये थ्री। लेकिन ध्यान देखो फिर से सेम बन गया, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया, इसलिए क्या हो गया ए एक सममित है। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये एक और दिखाई दे रहा है आपको, ये विषम सममित बताना है इसको, यानी कि ए दिया हुआ है आपका, ए इक्वल टू कितना दिया देख लो, जीरो है माइनस वन है वन है फिर वन है, जीरो है माइनस वन है और माइनस वन है, यहाँ पे है वन हो गया और जीरो। पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए, रो को कॉलम में ले दीजिए, ये रो है कॉलम में लिखा जाएगा, तो जीरो हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस वन है जीरो है वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे वन है और माइनस वन है और ये फिर जीरो लिखा जाएगा। ध्यान देखो इसमें से एक माइनस साइन ले लीजिए, सबके साइन चेंज कर देना है, ये तो जीरो का जीरो हो जाएगा, माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, इस वन का माइनस वन हो जाएगा, वन का माइनस वन हो गया, जीरो एक्सिस जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये वन का माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। जरा ध्यान देखो ऊपर वाली ए वाली मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स मैच खा रही है, इसका मतलब माइनस का ए आ गया, ए डैश कर टू माइनस ए तो क्या हो गया इसलिए ए ए बी सममित आवयोग है, यानी विषम। बच्चों समझ में आ गया होगा, चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा। अब ये दिया हुआ है ए, ए दे दिया और बी दे दिया, तब जांच कीजिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। चलो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी इसका कितना हो जाएगा,
यहाँ ए लिख लीजिए, माइनस का 2 है, 4 है और 5 है, और फिर बी लिख लीजिए, ये है 1, 3 और माइनस 6। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई का जो रूल है वो बच्चों यही है, आर सी आर। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, रो में लिखेंगे, तो रो हो गया, कॉलम में रो में लिखना है। तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, फिर इस रो की इससे हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 6 हो जाएगा, ऐसे ही 4 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 4 इंटू माइनस 6 हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा, 5 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए इसको लिख करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये माइनस का 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 15 हो गया, और माइनस माइनस 10 का 12 हो जाएगा, माइनस 24 और माइनस का 40 आ गया। ये तो था ए बी। अब इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज होता है, यानी रो को कॉलम में लिखते हैं, तो माइनस 2 माइनस 6 और प्लस 2, माइनस 2 माइनस 6 और प्लस का 12, फिर 4 है, फिर 12 है और माइनस का 24 हो गया, फिर यहाँ पे 5 है और 15 है और माइनस का 30। चलिए ये हो गया है। अब हमें बी डैश और ए डैश निकालना है, तो बी डैश ए डैश, चलिए कहाँ है बी डैश, देखो बी डैश का मतलब क्या होगा, इसको रो को कॉलम में लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1 3 माइनस 6, और ए है जो उसका भी रो को कॉलम में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, करवाइए जरा, 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू माइनस 2, माइनस का 6 इंटू 4, माइनस का 6 इंटू 5। चलिए इसको करके देखते हैं कितना आता है, ये आ गया माइनस का 2 आ गया, यहाँ से माइनस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, फिर 12 हो गया और माइनस का 24 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5 बन जाए 5 हो गया, 5 या 15 हो गया और माइनस का 6 बन गया 20 हो गया, माइनस का हो गया। अब जरा इस वाले मैट्रिक्स को देखो, इस वाले मैट्रिक्स को देखो, दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो निकाला गया है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही हमें समझाना था। देखो सामने ये दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यही समझाना था, ये सिद्ध होता है बच्चों, और आज जो है बस यहीं तक रखूँगा मैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। ये नीचे लाल रंग का बटन लिखा जाए, इस पर जरूर दबा सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैंने अभी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।